चित्रा देखिए, अब ये ओपन सीक्रेट है कि किस तरीके से वो पुलिस के साथ उसके नेक्सस थे, उसके संबंध थे, राजनीतिज्ञों के साथ उसके संबंध थे। और निश्चित तौर पर उस दिन जिस दिन घटना घटी उस दिन इसे पहले सूचना दे दी गई थी, ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। और आज जब उसने इस बात को कबूल कर लिया है तो कई बातें और निकल कर पूछताछ में शामिल होंगी कि सामने आएंगी कि आखिर कौन कौन और वो चेहरे थे जिन्होंने इसकी मदद की। जल्दी से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त विकास दुबे से पूछताछ लगातार की जा रही है और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक टीवी स्क्रीन देखिए आप, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विकास दुबे से पूछताछ लगातार जारी है और ये जानकारी निकल कर आई है। विकास दुबे ने इस बात को कबूला है कि मुझे थाने से फोन आया था, उसने कबूला है कि कई पुलिसकर्मी मेरे संपर्क में थे। ये सब यूपी पुलिस को लेकर वो कह रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस खासकर चौबेपुर थाने की अगर हम बात करें, जिस कानपुर के चौबेपुर थाने के पूरे के पूरे पुलिस के कर्मचारी पुलिस अधिकारी इस वक्त सवालों के घेरे में हैं, उनको लेकर अब एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से रेड की जानकारी मुझे मिली थी, विकास दुबे ने ये जानकारी दी है। इस वक्त उज्जैन पुलिस को उज्जैन पुलिस की कस्टडी में इस वक्त है विकास दुबे। उज्जैन की पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे। आपको बता दें कि विनय तिवारी नाम के एक एसओ के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो खाकी वर्दी की आड़ में इन गुंडों का साथ देते हैं और अब उनका चुन चुन कर बाहर आना बेहद जरूरी हो जाता है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो बड़ी जानकारी दी गई है इस गैंगस्टर की ओर से, साफ साफ कहा है यूपी पुलिस के कई लोग मेरे संपर्क में थे और बाकायदा मुझे पुलिस ने ही रेड की जानकारी दी थी। बिल्कुल चित्रा, ये बिल्कुल खुला रहस्य है। और आप सिर्फ इस रेड की बात क्यों करें, अगर आप देखें 2001 की जो घटना हुई है जिसमें थाने में इसने एक बीजेपी नेता की हत्या की थी, उसमें 19 पुलिस वाले उसके गवाह थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर नायंग के अधिकारी से लेकर और पुलिस के जवान तक थे, सब के सब उस गवाही से मुकर चुके हैं। तो पहले भी इसका पुलिस से रिश्ता नाता रहा है और इस पूरे मामले में पूरी बात खुल करके सामने आई है कि किस तरह चौबेपुर के SHO, चौबेपुर के इंस्पेक्टर, इन तमाम लोगों ने इसकी मदद की है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी इसको पल पल की सूचना दी गई थी और तभी ये पूरी तरीके से तैयार था और उसी कानपुर की पुलिस को इसने निशाना बनाया था। तो अगर ये बात ये खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक बात साफ है कि पहली बार जिसे हम हॉर्सेस माउथ कहते हैं उससे ये बात साफ निकल करके आई है कि किस तरीके से वो एक थाने कह सकते हैं थाना उसका एक प्यादा बन के काम कर रहा था। दूसरी तरफ इसका पूरा का पूरा खामियाजा खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने भुगता है क्योंकि उसके 8 लोग इस मामले में शहीद हुए हैं। तो जिन दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा था उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब एक एक करके जो ये खुलासे कर रहा है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला होगा, उन्हें भी शर्मसार करने वाला होगा। शर्मसार करने वाला तो ये मामला है, जमकर फजीहत भी हो रही है, लेकिन यूपी पुलिस की ये जिम्मेदारी है क्योंकि इसी यूपी पुलिस ने अपने 8 सहयोगियों को भी खोया है।